हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप के अच्छे होंगे। तो मैं सौरभ जोशी से इंस्पायर्ड होकर एक मदर टेरेसा का पेंटिंग बनाया हूँ, जो कि A1 पेपर के ऊपर बनाया हूँ। और कितना दिन लगा उसको बनाने में और किन किन ग्रेड्स की पेंसिल में उसमें यूज किया हूँ बनाने के लिए, पूरा रिव्यू दूंगा इस वीडियो में। तो फास्ट से इन तक इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दिखाता हूँ उस पेंटिंग को कैसा लग रहा है। गाइस, ये रही A1 साइज पेपर के ऊपर जो कि मदर टेरेसा का पेंटिंग मैं बनाया हूँ इसमें। तो इसको मैं कंप्लीट डार्क करने के लिए इस एरिया को 8 लाइन की 10B पेंसिल यूज़ किया हूँ, जो कि दिखाता हूँ। जो कि ये रही वो, इसको मैं नया खरीद के लाया था और ये देखो कुछ इस तरह से छोटा हो गया है, इतना बड़ा बचा है सिर्फ। और इसकी बॉडी को, मदर टेरेसा की बॉडी को मैं कंप्लीट शेड किया हूँ, जो कि है ये बूस्ट्रो की ग्रेफाइट पेंसिल से, देख सकते हो 2H से 10B तक ये पेंसिल होता है। और मैं इसमें से सिर्फ 2H पेंसिल और 3B पेंसिल और 8B पेंसिल इसमें से यूज़ किया हूँ इसको कंप्लीट शेड करने के लिए। और ये मैं कंप्लीट ही ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया हूँ, कहीं पे भी चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं किया। और देख सकते हो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये बॉर्डर के लिए मैं मास्किंग टेप का यूज़ किया हूँ, जो कि इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कैसी लगी ये वीडियो। अगर नए हो चैनल में सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे भी अच्छा कंटेंट मैं इस चैनल में डालता रहूँगा। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।